हेलो होटेलियर्स, मैं दीपक, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, तो आज मैं आपको फूड एंड बेवरेजेस के सिलेबस का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ दोस्तों, और उसके पीडीएफ में जाके आपको पूरा हर एक जानकारी बताने वाला दोस्तों। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है दोस्तों। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह एक फूड एंड बेवरेज के सब चैप्टर वाइज सब्जेक्ट का ओवरव्यू है दोस्तों। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं पूरा बताने वाला हूँ कि फूड एंड बेवरेज के फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या आता है, जिससे आप सीखते हैं और जिससे आप अपना बेस मजबूत करते हैं और धीरे धीरे उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन के प्रीव्यू पर चलते हैं और मैं वहाँ पर आपको हर एक डिटेल देता हूँ दोस्तों, उस सब्जेक्ट के बारे में क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं उसके दोस्तों, और आप उससे क्या क्या सीख सकते हैं। मेनली जो कलनरी टर्म्स रहते हैं, जो फ्रेंच टर्म्स रहते हैं दोस्तों, वो सीख सकते हैं और हर एक चीज़ दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डेली ऐसे मतलब हर एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे दूंगा, जैसे एचके हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया और बाकी सब सब्जेक्ट का भी दोस्तों। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। दोस्तों, आगे हम फूड एंड बेवरेज सर्विसेज के सेमेस्टर वन में दोस्तों, तो यहाँ से हम आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव दिया है। उसके बाद जैसे हम नीचे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे टॉपिक्स देखिए क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं और मेनली हम लोग को किन किन टॉपिक्स का इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी रहता है दोस्तों। जैसे देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन टू होटल एंड कैटरिंग इंडस्ट्री दिया है। उसके बाद नीचे हम जाएंगे तो कैटरिंग एस्टैब्लिशमेंट इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। उसके बाद नीचे जाएंगे तो टाइप्स ऑफ F&B ऑपरेशन में बता दूँ, उसमें तीन टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कमर्शियल, रेसिडेंटल, नॉन रेसिडेंशियल। उसमें वेलफेयर आते हैं, इंस्टीट्यूशनल, ट्रांसपोर्ट्स आते हैं। ट्रांसपोर्ट मेनली दोस्तों वो जो कि रोड वगैरह पे रोड्स में होते, रेलवेज होते, एयरलाइंस में यूज़ होते, वैसे टाइप्स के F&B होते हैं, फूड एंड बेवरेजेस होते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब क्या क्या संभावनाएं हैं दोस्तों कि इसमें करियर कहाँ कहाँ है। मैं आपको बोलूँ दोस्तों, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे तो फूड एंड बेवरेजेस में आपको बहुत ज़्यादा करियर स्कोप है मेरे हिसाब से दोस्तों, जहाँ आपको बहुत ही सीखने को मिलता है, कम्युनिकेट करने को मिलता है, हर एक चीज़ करने को मिलता है। उसके बाद हम डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफिंग पे आ गए दोस्तों, कि ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो पहला देखिए, F&B ऑर्गेनाइजेशन ऑफ F&B डिपार्टमेंट ऑफ अ होटल इंग्लिश और फ्रेंच में रहता है। फिर एटिकेट्स एंड एट्रीब्यूशन ऑफ F&B पर्सनल, जो F&B स्टाफ रहते हैं उनका क्या क्या एटिकेट्स रहते हैं और क्या क्या मतलब एट्रीब्यूट्स रहना चाहिए जब गेस्ट को सर्विस करते हैं। फिर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ F&B स्टाफ, F&B स्टाफ का ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं। फिर यहाँ से आते हैं दोस्तों हम F&B मैनेजर, जो मेनली हेड HOD रहते हैं हमारे, बैंकेट मैनेजर, फिर आउटलेट मैनेजर, उसके बाद सीनियर कैप्टन, कैप्टन सुपरवाइजर, स्टीवर्ड, सोमेलियर, हॉस्टेस और कैशियर, मतलब सबके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे दोस्तों। उसके बाद हम नीचे चलते हैं दोस्तों, तो डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप विथ ऑफ F&B विथ अदर डिपार्टमेंट, मतलब अदर डिपार्टमेंट जैसे फ्रंट ऑफिस से क्या रिलेशनशिप है, फिर किचन से, तो ये सब हम सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरे में चलते हम तो ऑपरेशनल एंड ऑक्सिलरीज एरिया ऑफ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंस एंड लेआउट, जो इसका महत्व और लेआउट दोस्तों। जैसे ये देखिए दोस्तों, फूड एंड बेवरेजेस का जैसे कॉफ़ी शॉप होता है, स्नैक्स बार होते हैं, काउंटर सर्विस, फिर कियोस्क रहते हैं, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट या फिर थीम रेस्टोरेंट। जैसे हमको पता है कि कोई स्पेशलिटी है चिकन में स्पेशलिटी, हर अलग अलग कोई थीम के ऊपर बेस, जैसे स्नो थीम रहता है तो वो बस स्नोवी का पूरा थीम के ऊपर से ये लोग यूज़ करते हैं उसका। फिर बैंकवेट ऑपरेशन, आउटडोर कैटरिंग दोस्तों, आउटडोर कैटरिंग जो सबको पता है कि जिसको हम बेसिकली ODC कहते हैं, इन रूम डाइनिंग रहता है, फिर डिस्पेंस बार रहता है, नाइट क्लब पब वगैरह, फिर पैंट्री और स्टील रूम आते हैं दोस्तों, किचन स्टीवर्डिंग, सिल्वर रूम, लिनन रूम और वेंडिंग मशीन दोस्तों। तो ये सब इसमें आते हैं और इस सब के बारे में मैं आपको बता दूँ कि हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत डीपली जानेंगे दोस्तों आने वाले वीडियो में। उसके बाद फूड एंड बेवरेजेस का सर्विस इक्विपमेंट्स, जो सर्विस और इक्विपमेंट्स रहते हैं ना दोस्तों, तो उसका पूरे बारे में जानना, मतलब इन्फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स दिया है, फिर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट्स, मतलब किस क्राइटेरिया पे उन इक्विपमेंट्स का सिलेक्शन करना चाहिए और रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होता है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, आ गया टेबल वेयर, सिल्वर वेयर, उसके बाद कटलरी, हॉलोवेयर, फ्लैटवेयर, सब उसी में आ जाता है दोस्तों टेबल वेयर पे। फिर ग्लासवेयर आता है, फिर क्रॉकरी आता है, बार इक्विपमेंट्स आते हैं जो कि इक्विपमेंट्स जो बार में यूज़ होते हैं, और फिर सब ब्रांड्स का रहता है, मेजर्स रहते हैं, क्वालिटी सप्लायर कि कितना क्वालिटी हम लोग को लिकर सप्लायर करना है दोस्तों। फिर स्पेशल इक्विपमेंट विद देयर यूजेस, मतलब कोई कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे वाइन ओपनर हो गया, ओपनर हो गया दोस्तों, तो ओपनर में आपको हर एक चीज़ मिल जाते हैं। फिर फर्नीचर,
फर्नीचर आ गया जिसमें टेबल चेयर ट्रॉली डम वेटर हर एक चीज़ रहते हैं। फिर लिनन आ गया, लाइट एंड डेकोर रहते हैं दोस्तों। फिर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट रहता है। फिर नैपकिन फोल्ड, दोस्तों मैं बता दूं नैपकिन फोल्ड बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हम ये सब सीखते हैं तो बहुत ही मायने वाला रहते हैं। उसके बाद ताबला तौत और अलाकार्ट, मिजन प्ला और मिजन इसेंस दोस्तों, ये भी एक मेनू रहते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में आगे बताने वाला हूँ कि ताबला तौत क्या होता है, अलाकार्ट क्या होता है, मिजन क्या होता है दोस्तों, मिजन इसेंस क्या होता है, हर एक चीज़ दोस्तों। उसके बाद डाइनिंग सर्विस मेथड और प्रोसीजर दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट मेथड ऑफ सर्विस पता चलता है दोस्तों कि सर्विस कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। जैसे इसमें टेबल सर्विस दिया है, फिर सिल्वर सर्विस, अमेरिकन प्लेटेड दिया है, फिर फैमिली दिया है, रशियन दिया है, फ्रेंच और फ्रेंच बटलर और गुरिदोन दिया है दोस्तों। तो ये सब सर्विसेज है। फिर बार काउंटर आ गया। फिर तीसरे टाइप में असिस्टेड सर्विस है दोस्तों, जिसमें बुफे टाइप रहते हैं और कारवरी रहते हैं दोस्तों। उसके बाद सेल्फ सर्विस रहते हैं, सेल्फ सर्विस हमको पता है कि कैफेटेरिया में होता है। फिर काउंटर्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पे भी सेल्फ सर्विस रहते हैं। फिर फ्री फ्लो रहता है, इक्लियन रहता है, सुपर मार्केट, जैसे हम कहीं फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स लेने गए सुपर मार्केट्स में दोस्तों, तो वहाँ सेल्फ सर्विस रहता है कि हमको खुद से वो लेना पड़ता है, मतलब सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद सिंगल पॉइंट सर्विस, सिंगल पॉइंट सर्विस में आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें टेक अवे जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, हर एक चीज़ ड्राइव थ्रू हो गया, फास्ट एंड फूड हो गया, वेंडिंग हो गया, कियोस्क, फूड कोर्ट और बार हो गया। स्पेशलाइज रहता है इन सीटू टाइप का दोस्तों, जिसमें ट्रे रहता है, ट्रॉली रहता है, फिर होम डिलीवरी, फिर लाउंज का रहता है, लाउंज का भी आप सर्विस समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर रूम और ड्राइव इन रहता है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट आते हैं तो स्पेशल सर्विस, स्पेशल सर्विस में फॉर्मल सर्विस सीखने को मिलेगा हमको, वेव सर्विस और कार्टन क्लब सर्विस मिलेगा दोस्तों। तो ये बहुत हमारे लिए मायने रहता है, नॉ एग्ज़ाम पॉइंट के वजह से नहीं दोस्तों, जब हम एक्चुअल में होटल इंडस्ट्री में अपने कदम रखेंगे तो ये सब बहुत हमको सीखने को मिलता है और वहाँ से हमारा हर एक चीज़ चालू होता है दोस्तों। फिर लास्ट पॉइंट बता दूँ, रूल्स टू बी ऑब्जर्व वाइल लेइंग द टेबल, मतलब टेबल ले करने के टाइम क्या रूल यूज़ करना चाहिए दोस्तों, ऑब्जर्व वाइल वेटिंग के टाइम क्या ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए रेस्टोरेंट में। तो ये सब हो गया इस सेमेस्टर का दोस्तों। तो इसके बाद ये सब असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल है दोस्तों, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल भी बहुत मायने रखते हैं क्योंकि असाइनमेंट और प्रैक्टिकल की वजह से हमको बहुत जगह जाने को मिलता है। जैसे देखिए यहाँ कैटरिंग आउटलेट्स है, जैसे कॉफ़ी शॉप के बारे में, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट बार के बारे में, रूम सर्विस के बारे में और स्नैक्स वगैरह, जैसे QSR होते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, उनके बारे में सब पता करने को मिलता है दोस्तों। उसके बाद ये सब हो गया दोस्तों। इसके बाद फूड एंड बेवरेज सर्विस इक्विपमेंट, जिसमें सिल्वरवेयर, ग्लासवेयर, क्रॉकरी, लिनन, फर्नीचर, हर एक चीज़ आता है दोस्तों कि हर एक इक्विपमेंट्स हमको जानना रहता है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे चलेंगे तो ये सब डाइनिंग सर्विस मेथड और सर्विस की कैसे बैलेंस और सिल्वर और ट्रे कैसे मतलब कैरी करते हैं, फिर टेबल क्लॉथ कैसे मतलब लेइंग रिलेइंग करते हैं, वेटर सर्विस कैसे करते हैं, कैरिंग रिप्लेसिंग और क्लियरेंस ऑफ टेबल प्लेट्स का कैसे करते हैं दोस्तों, हैंडलिंग एंड यूजिंग सर्विस फोक, मतलब सर्विस फोक कैसे यूज़ करने का, अलाकार्ट कवर क्या होता है दोस्तों, ऐश ट्रे कैसे क्लियर करने का, हर एक चीज़ इस प्रैक्टिकल में दिया है दोस्तों और ये सब उसके असाइनमेंट्स है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना पूरा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का फूड एंड बेवरेजेस का समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो में, वहाँ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आपने कि देख लिया कि मैंने आपको उसमें हर एक चीज़ बताया, ग्लासवेयर, सिल्वरवेयर, हर एक चीज़ दोस्तों उसमें है। तो अगर आपको सीखना है और मेनली सीखना है दोस्तों, तो मैं आपको FNB के ऊपर पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि मैंने FNB में स्पेशलाइज़ किया और जहाँ तक मुझसे हो सके मैं फ्रंट ऑफिस पे भी बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ फ्यूचर में दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मुझे सपोर्ट करें। बाय।